हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय इनोवेशन चैनल। सो आज हम लोग लिथियम आयन बैटरी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर 7 टाइप का लिथियम आयन बैटरी है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऊपर बैटरी है। इसका कैपेसिटी अलग है, इसका वोल्टेज और इसका आपका जो वेट होता है वो भी अलग है। तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और कौन सा बैटरी सबसे बेस्ट है वो भी हम आपको बोलेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि लिथियम आयन बैटरी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि आपका मोबाइल के पावर बैंक में, मोबाइल के अंदर यूज़ होता है। अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग खुद के लिए एक बैटरी सोर्स बनाओ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लिथियम आयन बैटरी से पावर सोर्स बनाओ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैटरी होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक वेट मशीन है और इसमें हम लोग वो बैटरी का वेट मापेंगे ग्राम के ऊपर, और इस मल्टीमीटर से हम लोग उसका वोल्टेज डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि दोस्तों, इस लिथियम आयन बैटरी का वोल्टेज हमेशा 3.7 रहता है, वो इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज है 3.7 वोल्ट। अगर इसको फुल चार्ज दे देंगे तो इसका बैटरी चार्ज वोल्टेज होता है 4.2 वोल्ट। तो ये रहा पहले बैटरी। इसका आपका कैपेसिटी है 2200 mAh। ये बैटरी अच्छी क्वालिटी का है और इसके ये लिथियम आयन बैटरी दो टाइप का होता है, एक है आपका फ्लैट हेड टाइप और एक है आपका बटन हेड टाइप। ये आपका बटन हेड टाइप, इसके ऊपर में एक बटन टाइप है और कुछ होता है फ्लैट हेड टाइप। तो चलिए दोस्तों, ये आपका दूसरा बैटरी, ये ISO सर्टिफाइड भी है। हम लोग लिथियम आयन बैटरी को शॉर्ट में 18650 बैटरी बोलते हैं। इससे भी बड़ा बैटरी होता है, इससे भी छोटा होता है, मगर इस बैटरी को हम लोग 18650 के नाम पे जानते हैं। ये बैटरी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसका इमेज लिखा हुआ नहीं है बैटरी के ऊपर, मगर मैंने पर्सनली इसका यूज़ किया है और इसका इमेज आपका करीब 1500 के आसपास होगा। तो चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर बैटरी, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, आप लोग सब जानते ही होंगे, अल्ट्रा फायर बैटरी। इसके इमेज बहुत ज़्यादा लिखा हुआ रहता है, जैसे कि 7800 5800, मगर उतना नहीं होता क्योंकि उतना हो नहीं सकता, मगर इसका एक्चुअल इमेज है आपका 1000 या 1100 1200 इमेज ऐसा होता है। मगर इसका ड्रेनिंग कैपेसिटी आपका ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी ये मतलब ड्रेन कर पाता है इसका करंट को। तो दोस्तों चलिए, चार नंबर बैटरी पे ये आया ग्रीन कलर का बैटरी। इसका एमएएच लिखा हुआ है 2500 2500 mAh का बैटरी है। ये अच्छा बैटरी है आपका, जैसा कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ ये बैटरी। इस बैटरी का आपका मैं एक 12 वोल्ट का एक सप्लाई बनाया, डीसी बैटरी सप्लाई, तो उसके मदद से मैं मेरे घर पर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे कि आपका वुड कटर मशीन और आपका LED लाइट वगैरह, वो सब मैं इसके मदद से जलाता हूँ। तो ये आया आपका पाँच नंबर बैटरी और ये आपका थोड़ा सा कैपेसिटी कम है इसका। इसका आपका कैपेसिटी है 1200 1200 mAh का कैपेसिटी है और ये आपका पिंक कलर में आता है ये बैटरी। इन सब बैटरी का प्राइस ज़्यादा नहीं है, सबका प्राइस आप अगर लोकल बाज़ार में जाओगे तो आपका 100 के अंदर आपको मिल जाएगा ये सब बैटरी, 100 प्राइस के अंदर। मगर एक बात आपको बोल दूँ, लिथियम आयन बैटरी बहुत ही आपका हैजर्डस से ये खूब इजीली फायर कैच भी कर सकता है। अगर शॉर्ट हो जाए तो बास्ट भी हो सकता है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इसके यूज़ करने के लिए। तो ये जो बैटरी है वो उसका पहले बैटरी का एक और एक वर्सन है, जिसके ऊपर आपका वायर अटैच रहता है। ये मेनली आपका फ्लैट टाइप होता है और जो पहले वाला आपने देखा वो आपका बटन टाइप होता है। ये भी आपका 1200 mAh का ही है, 1200 mAh का।
चलिए नंबर 7 पे आता है, ये सबसे मशहूर एक बैटरी। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, इसका कलर ही बहुत नाइस है। ये आपका सैमसंग का बैटरी, सैमसंग पावर बैंक का बैटरी, ICR 18650। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैटरी है और इसका प्राइस उन लोगों से भी ज़्यादा है। इसका एमएस नहीं लिखा हुआ है, मगर इसका एमएस करीब 2000 के आसपास है। तो देखिए, ये है लिथियम आयन बैटरी का चार्जर सर्किट। देखिए, आप में से शायद कोई कोई लिथियम आयन बैटरी को चार्ज देने के लिए डायरेक्ट आपका मोबाइल चार्जर से कनेक्ट कर देते हो, मगर ऐसा मत कीजिए, वो आपका लिथियम आयन बैटरी को डैमेज कर सकता है और उसका कैपेसिटी भी लो कर सकता है। ये जो सर्किट है, ये स्पेशली मेड फॉर आपका लिथियम आयन बैटरी। इसको लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल बोलते हैं। इसको बस आप आपका चार्जर से कनेक्ट कर दो और उसके साथ आप बैटरी को कनेक्ट कर दो। देखा, जैसे कि मैंने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया इसको कनेक्ट करने के लिए। अब देखना, जब भी मैं बैटरी इसको कनेक्ट करूँ तो इसमें जो ब्लू इंडिकेशन हो रहा है, एलईडी लाइट जो जल रहा है ब्लू कलर का, वो चेंज होकर रेड हो जाएगा। देखा, रेड हो गया वो कलर। इसका मतलब कि आपका चार्जिंग ऑनगोइंग हो रहा है। और जब भी आपका चार्ज फुल हो जाएगा, बैटरी को फुल चार्ज हो जाएगा बैटरी का, तब वो आपका वो जो रेड इंडिकेशन है वो चेंज होकर ब्लू हो जाएगा फिर से। मैं दिखा रहा हूँ कि आपका चार्जिंग मॉड्यूल और आपका मोबाइल चार्जर का डिफरेंस क्या है। आपका अगर मोबाइल चार्जर से आप चार्ज करेंगे तो उसका डायरेक्ट वोल्टेज होगा आपका 5 वोल्ट, मगर आप चार्जिंग मॉड्यूल से अगर चार्ज करेंगे तो उसका वोल्टेज रहेगा आपका 4 वोल्ट के आसपास, 4.2 4.3 ऐसा कुछ रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए।